हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शाहिद खान एंड यू आर वाचिंग फ्लफी गाइस। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है कैट लिटर प्रॉपर तरीके से कैसे यूज करें, बिकॉज आई हैव सीन 90% पीपल डोंट नो हाउ टू यूज कैट लिटर प्रॉपरली। सो इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है इस टॉपिक पर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और आपकी जो कैट लिटर है वो 20% तक ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं लिटर टब्स की, ठीक है। उससे भी पहले हम बात करते हैं कैट लिटर की। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंपोर्टेड वाला कैट लिटर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेमन फ्रेग्रेंस पे। ये हमारी खुद की इंपोर्ट है, ठीक है। हम खुद मैन्युफैक्चर भी करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता वो हमारी वीडियोस देख सकते हैं, और अगर ऑर्डर करना चाहें तो ऑर्डर भी कर सकते हैं। होलसेल प्राइस पे कैट लिटर मिलता है। तो सबसे ये प्रीमियम वाला प्रोडक्ट है, इंपोर्टेड वाला, जो आज हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैट लिटर टब कौन सा सेलेक्ट करना है। सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, यही डिसाइड करता है कि आपका जो आगे का एक्सपीरियंस है लिटर यूज करने का, क्लंपिंग का, वो यही टब से डिसाइड होता है। तो दोस्तों, ये देखिए, ये दो साइजेस हैं, ठीक है। इसमें ये आपको दिख रहा होगा कि दोनों साइजेस जो है ना, एक्चुअल में तो सेम है, ठीक है। लेंथ भी सेम है, इनकी विड्थ भी सेम है, लेकिन जो हाइट है, हाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और यही मेन फैक्टर होता है, कैट लिटर जो सही से इस्तेमाल नहीं होता बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो टब है बेसिकली यूज़ करा जाता है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा स्मॉल किटन्स हो, है ना, आपके घर में किटन्स हैं, आप उसे लिटर ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उसके लिए सही रहता है क्योंकि हाइट कम है। लेकिन आपके पास जैसे आप 2.5 महीने का किटन लेके आते हैं, या फिर आपके पास अडल्ट कैट है, तो उसके लिए जो प्रॉपर साइज है वो ये वाला है। अब ये जो टब है, ये देखिए थोड़े स्क्रैचेस आ रहे हैं, तो इसे माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे जो कैट्स हैं वो क्लीन करते टाइम इसको स्क्रैच कर देते हैं। तो ये जो मैं टब परचेस करा है, ये मैंने परचेस करा है क्रॉकरी शॉप से। मैं वहीं से रेकमेंड करता हूँ क्योंकि वहाँ से सस्ता ही पड़ता है, और इसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, है ना, जो मार्केट में मिलता है पैट शॉप पे उनसे ज़्यादा, और ये सस्ता भी बहुत है। अगर हम ये ही साइज़ बात करें मार्केट से परचेस करने की, तो लगभग 500 रुपीज़ का ये टब मिलता है अगर हम पैट शॉप से परचेस करते हैं। और यही चीज़ अगर आप क्रॉकरी शॉप से परचेस करते हैं तो सिर्फ आपको मिल जाएगा 250 रुपये, मतलब हाफ प्राइस में 500 रुपये के आप दो ले सकते हैं ऐसे टब्स। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हमारे पास एक कैट है तो हमें एक टब यूज़ करना है। अगर हमारे पास दो कैट्स हैं तो हमारे पास दो टब ज़रूर होने चाहिए। अगर हमारे पास तीन कैट्स हैं तो तीन टब होने चाहिए, अगर आपको एफिशिएंसी चाहिए अपने प्रोडक्ट में, ठीक है। तो दोस्तों, ये बात ज़रूर याद रखेगा, जितनी कैट्स हैं उनके लिए उतने टब्स होने बहुत ज़रूरी है, जब भी आपका कैट लिटर ज़्यादा अच्छे से चलेगा और ज़्यादा टाइम तक चलेगा और इजी रहेगा क्लीन करने में। तो सबसे पहले जो डिफरेंस मैंने बताया था वो इसलिए होता है, ये देखिए हाइट इसकी ज़्यादा है, इसमें सिम्बा बैठे, इसकी हाइट देखिए कम है। अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये देखिए साइड बाय साइड रखे हुए, ये 3 इंचेस है, ये 6 इंचेस है, तो आधे का डिफरेंस है यहाँ पर पूरा। अब जब हम इसमें लिटर फिल करेंगे तो इसमें लेयर हमें 1 इंच छोड़नी पड़ेगी, तो मतलब सिर्फ 2 इंचेस की लेयर आएगी, और इसमें हम 5 इंचेस तक लेयर रख सकते हैं 1 इंच छोड़ के। तो इससे क्या होता है, जब कैट इसमें यूरिन करता है तो इसमें जो क्लंप है ना, जो बॉल बनता है वो बहुत शानदार बनता है। इसमें क्या होता है, बेस में टच हो जाता है, फिर हम जब क्लीन करते हैं तो वो टूटता है और जो साफ लिटर है उसे भी बेकार कर देता है, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं जो एग्जैक्ट होता है, क्योंकि ये देखिए हमने, हमारे पास अनक्लीन कुछ लिटर है, हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे देखने में, क्योंकि बहुत सारी पॉटी रखी है, लेकिन देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको जब ही पता लगेगा कि प्रॉपर तरीका क्या है। मैं ये बड़ा वाला टब यूज़ करता हूँ, सबसे बेस्ट ये लगता है मुझे। ये देख लीजिए, इसका साइज लगभग 2 फीट का होगा, जो इसकी ऊंचाई है 2 फीट नहीं, सॉरी 1.5 फीट, लगभग 16 इंचेस का ये इसका हाइट है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें मैं एक बार में 20 kg फिल कर देता हूँ, या फिर 25 kg का पूरा बैग डाल देता हूँ। इससे क्या होता है, एफिशिएंसी ज़्यादा रहती है। अब मैं डिफरेंस भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास ये स्कूप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विदाउट स्कूप हम लिटर को क्लीन नहीं कर सकते, ठीक है। ये स्कूप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और लिटर को क्लीन करने के लिए एक आपको पॉलीथीन भी चाहिए, जिसमें आप जो इनका पॉटी और शिशु है वो निकाल के और डस्टबिन में डंप करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखें, ये है फुल साइज कैट लिटर टब जो मैंने मार्केट से परचेस किया है 600 रुपीज़ का। इसकी जो कैपेसिटी है वो 25 kg तक की है, एक बैग पूरा आप 25 kg वाला इसमें डाल सकते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है लगभग 10 kg तक की है, ठीक है। अब हम डिफरेंस दिखाते हैं। अब लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कम लिटर इस्तेमाल करते हैं, जैसे खाना डालते हैं ना 1-1 किलो करके ऐसे डालते हैं, तो कभी भी ये गलती नहीं करनी। अगर हम कम लिटर डालते हैं तो ये देखिए क्लम्प कभी भी नहीं होगा,
ये देखिए सारा बेस में चिपकेगा, जब आप इसे क्लीन करेंगे तो ये सारा टूटेगा, टूटने के बाद ये जो क्लीन लिटर है उसमें जाएगा और पूरा वेस्ट होगा। अब मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ ज्यादा लिटर डालने का। ये देखिए ज्यादा लिटर है, अगर हम इसे ये देखिए दिखाऊं तो जितने भी क्लम्स है ना, जितने भी क्लम्स है वो बिल्कुल गोल बनते हैं। ये देखिए कहीं पे भी देख सकते हैं आप, बिल्कुल गोल क्लम्स बनेंगे और इजी रहता है क्लीन करने में। तो हमेशा यूज करें बड़े से बड़ा टब, मतलब ज्यादा बड़ा भी नहीं। ये जो आइडियल साइज है, ये जो मैंने आपको बताया ये है 16 इंच की इसकी हाइट है, तो इतनी हाइट वाला टब यूज करेंगे। तो आप अगर आपके पास दो कैट है तो एक टब भी रख सकते हैं, बहुत ज्यादा सही रहेगा। और एक बारी में आपको पूरा 25 kg डाल देना है। अगर आप कम लेयर रखेंगे तो मैं इसमें भी दिखाता हूँ। ये देखिए सबसे बेस्ट क्वालिटी का इम्पोर्टेड लीटर हमने यहाँ पे यूज करा है, लेकिन जब हम इसे निकालेंगे तो ये भी ब्रेक होगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें जुड़ चुका है, चिपक चुका है। अब मैं दिखाता हूँ आपको निकाल के, ये देखिए तो ये तो होना ही था, ठीक है। जब ये बेस में है तो इसको एब्जॉर्प्शन के लिए इसके जितना लीटर चाहिए वो मिला नहीं, अब प्रॉपर लीटर नहीं मिला तो ये बेस में चिपका चिपका तो इसे निकलने में अब तो टूटेगा ही। तो ये देखिए, तो आपको कभी भी इतनी कम क्वांटिटी नहीं रखनी। अगर आपके पास छोटा टब भी है फिलहाल के लिए तो आप यहाँ तक फिल करके रखें, 1 inch छोड़ दें। बाकी ये देखिए सबसे शानदार, सबसे बड़ा जो अच्छा क्लंप आता है वो इसमें आता है और लीटर भी कम इस्तेमाल होता है। अब सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, अब जैसे ये लीटर रखा हुआ है, अब वो कुछ नहीं करते, मतलब सीधा यूं करके चलाते हैं और यूं करके निकालने लग जाते हैं। इससे क्या होता है, जैसे ये है क्लंप यहाँ पे, ठीक है, अगर हम इसे ऐसे कर देते हैं, ठीक है, अपने क्या करते हैं जो लोग जो करते हैं वो यूं करके लिया इसको और यूं करके मार दिया, तो इससे क्या होता है जो नीचे क्लंप है ना वो टूट जाता है, ठीक है। वैसे ये बहुत ज़्यादा हमारा इंपोर्टेड क्वालिटी, बहुत ज़्यादा हार्ड है, नहीं टूटा अभी भी, लेकिन इससे अक्सर जो कैट लीटर मार्केट में मिलते हैं वो टूट जाते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप पहले लीटर को थोड़ा टब को टेढ़ा मेढ़ा करें, इससे क्या होगा आपको ना क्लम्स क्लियरली दिख जाएंगे। जब क्लम्स आपको क्लियरली दिख जाते हैं आप इजीली निकाल सकते हैं, ये कभी ब्रेक नहीं होंगे। ये देखिए कितनी आसानी से आ गए, हमारा इम्पोर्टेड वाला प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी सी क्लम्पिंग है। ये देखिए इतने बड़े बड़े क्लम्स भी नहीं टूटते, कितना भी आप मतलब इसे ऊपर से फेंकिए नहीं टूटेंगे, बहुत ज़्यादा इंस्टेंट क्लम्पिंग इससे होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक यही था कि कैट लीटर कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमसे परचेज करते हैं उन्हें नहीं पता होता कि कैट लीटर यूज़ कैसे करना है, या फिर फर्स्ट टाइम परचेज कर रहे होते हैं, या फिर कोई गाइड नहीं करने वाला होता कि कैसे लीटर यूज़ करना है। वो क्या करते हैं, वो बहुत थोड़ा थोड़ा सा, ये मैंने सिर्फ आपकी वजह से थोड़ा थोड़ा डाला है, बहुत थोड़ा थोड़ा टब में डालते हैं, फिर इससे क्या होता है क्लम्प सही से नहीं होता, स्टिक करता है, फिर वो बोलते हैं भैया आपने तो वीडियो में दिखाया था कि बिल्कुल गोल क्लम्पिंग हो रही है, इजीली निकल रहा है, ये तो चिपक रहा है। तो दोस्तों सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि हम सोचते हैं कि लीटर को बचाने के लिए हम और ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं क्योंकि कम डालते हैं। हमेशा आपको कभी भी कंजूसी नहीं करनी, ठीक है, ये जो लीटर है ये आपको पूरा डाल देना है। अगर आप 5 kg वाले बैग लाते हैं तो कम से कम इसमें 10 kg आएगा टब में, जब तक ये यहाँ तक फिलना हो जाए ना, यहाँ तक बस 1 inch गैप रहना चाहिए, पूरा फिल करना है, फिर रिजल्ट देखिए। कोई सा भी आप लीटर यूज़ करेंगे, ठीक है, आपको बहुत अच्छा क्लम्प मिलेगा। और हमारा अगर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आप क्लम्पिंग देख ही सकते हैं आपके सामने, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रांग मिलेगी। तो दोस्तों बाकी लीटर से रिगार्डिंग अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हो कि आपको कुछ समझ नहीं आया, फिर अब भी कुछ बात रह गई हो, क्योंकि मैंने A to Z सब बता दिया इस वीडियो में कि कैसे लीटर टब यूज़ होता है, ठीक है, कौन सा टब आपको यूज़ करना है, स्कूप आपको चाहिए होता है इसे निकालने के लिए, ठीक है, आइडियल साइज़ ये है जो मैं बड़ा वाला यूज़ कर रहा हूँ। देखिए मेरे पास 7 cats है, तो मैंने टब भी 1, 2, 3, 4, 5 और भी हैं, ये जाली वाला है, ठीक है, कम से कम मेरे पास 7-8 टब्स हैं जिससे ये क्लीन रहे। ये मैंने क्लीन नहीं करा था सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके जो पहली बार कैट पाल रहे हैं, उनको ईजी रहे कैट लीटर यूज़ करने में। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद।